जनपद कुशीनगर के थाना कसिया क्षेत्र के ग्राम अर्जुनहा में दुकान चलाने वाला प्रमोद सोनी ने एक व्यक्ति नटवा गांव के युवक पर चोरी का आरोप लगाया है। उसने स्थानीय थाने को नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बता दें कि पीड़ित प्रमोद सोनी पुत्र बनारसी निवासी ग्राम भैसही थाना कसिया जनपद कुशीनगर ने बताया कि प्रमोद पटेल अर्जुनहा दुकान से अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में जेवरात भरा बैग लेकर नटवा गांव में पहुंचे, जहां कान की झाली दिखाने की बात हो रही थी कि ग्राहक महिला ने कहा झाली जो नहीं झुमका चाहिए। इस बात पर दुकानदार प्रमोद सोनी ने कहा वर्तमान में झुमका नहीं है, बाकी सारा सामान उपलब्ध छोटे वजन में। इस पर जब झाली झुमका की बात पर प्रमोद अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी खोला तो बैग गायब था। इतने प्रमोद को हार्ट अटैक जैसा महसूस होने लगा। उसने बताया कि 87 ग्राम सोने का जेवरात व 3 किलोग्राम चांदी के जेवरात कुल कीमत 6 लाख रुपया बताया है जो चोरी हो गया है। जो घटना आपके साथ घटी है, काफ़ी जिले में चर्चा है कि आप अर्जुनहा चौराहे से नटवा गांव में सोना चांदी बेचने गए थे, फिर अचानक बैग कैसे गायब हो गया, यही जानकारी करने के लिए मैं आपको बताया हूँ। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार सोनी, अर्जुनहा चौराहे पे स्थित मेरा दुकान है, नटवा डूमर भार के प्रमोद कुमार पटेल जो आए और मुझे अपने घर पर बुला कर लेकर गए झाली लेने के लिए। वहाँ पर जाने पाए उन लोगों का स्कीम बदल गया और वो लोग कह रहे हैं झुमका चाहिए। हमने बोला कि झुमका नहीं है, मेरे पास झुमका नहीं है, ठीक, हम भी झुमका जा के लाएंगे तब ना आप लोग को देंगे। उसके बाद से हमने व्हाट्सएप के जरिए झुमका यानी मंगाया और फोटो दिखाने लगा, फोटो दिखा के बाहर निकला तो मेरे डिग्गी से बैग गायब हो गया। एक पवन पटेल नाम का था, बाप के नाम, उसके पिताजी का नाम जगदीश पटेल, वो मेरे बाइक के पास वो भी यानी था, वही मेरा रहता था। मुझे पूरा शक है कि मेरा वो डिग्गी में से बैग वही निकाला है, कैसे कि वो मौके पर फरार हो गया था, 11 बजे फरार हुआ। जब चोरी, जब बैग चोरी हो गई तो लड़का मौके पर था? नहीं, वो लड़का पवन कुमार पटेल मौके पर नहीं था, वो फरार हो गया था। और उसके पास से प्रधान जी भी कॉल कराए, उसके फैमिली वाले भी कॉल कर रहे थे, लेकिन वो आए अपना जगह 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 वो पता बता रहा था, कभी इस जगह हूँ कभी जो, पहले बताया मैं कैसे हूँ, एक ही मिनट के बाद से कॉल करने पर वो कह रहा मैं पिपरासी हूँ, ऐसे ऐसे करके वो लमसम 4:30-5 बजे करीब में आया और उस समय आया कह रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया है। मैंने पुलिस कैसे थाना में, मैं कैसे थाना दरखास्त दिया हूँ, पुलिस ने हमें कहिए वर्मा जी 2 दिन का मौका दीजिए, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या चाहते हैं मामले में? मामले में हम यही चाहते हैं कि पुलिस हमें न्याय दिलाए, हमारा सामान दिलवा दे, हमें किसी से कोई किसी के पास शिकायत नहीं है।